आज गुजरात में दूसरा और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। एक तरफ वोट पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपना रोड शो अहमदाबाद में कर रहे हैं, जा रहे हैं वोट देने, लेकिन ढाई घंटे का रोड शो और उस रोड शो को तमाम चैनल्स लाइव दिखा रहे हैं। क्या ये विज्ञापन की श्रेणी में नहीं आता? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? चुनाव आयोग को हम लगातार कई मुद्दों पर आगाह करते आए हैं, चिट्ठी पत्री करते आए हैं, चुनाव आयोग चुप है। 25 तारीख को हमने बच्चों का दुरुपयोग प्रचार में करने पर चुनाव आयोग को एक ज्ञापन दिया, आज तक चुप्पी है। न भारतीय जनता पार्टी को किसी नोटिस की खबर है, न हमें कुछ जवाब आया कि क्या कार्रवाई चुनाव आयोग ने की। तो जिस तरह से कल हमारा एक कैंडिडेट दाता का, आदिवासी कैंडिडेट कांति भाई खराड़ी, उस पर जानलेवा हमला हुआ, वो 3-4 घंटे जंगलों में छिपा रहा, फिर उसको हमने बचाया रात को, चुनाव आयोग एकदम चुप। जहां नशाबंदी है उस राज्य में धड़ल्ले से शराब भारतीय जनता पार्टी बांट रही है। चुनाव आयोग को सारे वीडियोस मुहैया करवाए थे हमने, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। तो जिस तरह से चुनाव आयोग को चुप करा दिया गया है, लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। हम जो भी कानूनी पहलू है उस पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इस तरह के विज्ञापनों पर रोक लगाई जाए या उसको विज्ञापन की श्रेणी में लाया जाए, प्रधानमंत्री का जो रोड शो चलता है।